congratulations for an explosive wedding. খুব ভালো। मानसी श्रीवास्तव जिस तरह की घूंघट की देख रहा है, घूंघट में क्या है, क्या राज छुपा है घूंघट में, जो खोलने वाले घूंघट के राज। ये अच्छा, ये सचिन भाई खोलने वाला है। हमारे बहुत हार्ड वर्किंग एडी हैं सचिन। और घूंघट में राज ये है कि घूंघट के अंदर डिम्पी छुपी हुई है और डिम्पी दूसरा भेष धारण करके आई है और डालमिया फैमिली में देखना चाहती है कि वो चल क्या रहा है, शादी कर रहे हैं बिना डिम्पी को पता भी नहीं है, कुछ खबर नहीं है। और क्यूरोसिटी तो है डिम्पी को कि आखिर चल क्या रहे उनकी उनके खानदान में। तो उसे पता चलता है कि सोनम और अक्षम की शादी हो रही है और डिम्पी खुद ऐसे हालत में है, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड उसकी हालत थोड़ी बेचारी हो गई है, बाहर सड़कों पर घूम रही है वो। अब ऐसे बंजारन बन के आई है डालमिया खानदान में देखने की एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे हो रही है शादी, कहाँ हो रही है। तो आई थिंक उसे पता चलता है कि शादी घर पर ही हो रही है, गोयल्स के यहाँ पे शादी हो रही है और वो ये देख लेती है। तो उसे ये रूप धारण करना पड़ा ये देखने के लिए कि डालमियाज में हो क्या रहा है। देखा जाता डिम्पी घर छोड़ के चली गई है, फिर भी आपने अभी प्रेगनेंट हो तो क्या आपने दूसरा शादी कर ली है, क्या है ये इस प्रेगनेंट? नहीं नहीं, ये तो ऑफकोर्स जो शादी हो रखी थी हिमेश उसी का बच्चा है और क्या, और किसका होगा। शादी तो हो ही रखी है, डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं हुआ था। और हमारा लीप हुआ शो का, सावी की सवारी, 3-4 महीने का लीप हुआ, सो या उतना ही 4-5 महीने का बच्चा है। देखा जाए तब घूंघट के यार के जब इस लुक में देखा ना, गाना बहुत पॉपुलर था और आप पे शूट भी कर रहे हैं उस तरह की आपको लुक है, गेटअप है, तो थोड़ा सा एक थोड़ा सा ना आपको बनता है। आपको इतना सारा डांस तो मेरा देखने को मिल ही गया है, तो लेकिन थोड़ा सा और दिखा देती हूं। दिखा दिए थोड़ा सा घूंघट की, वाह वाह बहुत प्यारी लग रही है आप। आपके जो वेस्टर्न हो, इंडियन हो या सारी हो, आपके भगवान इतने अच्छे लुक दे रखे हैं, कहीं ना कहीं आपको ना कैप्चर हर रूप में आप निखर के आती हो। नेचुरल ब्यूटी आपको गॉड गिफ्ट मानते हो या क्या है आप? थोड़ा बहुत गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, मम्मी पापा इतने सुंदर हैं दोनों, बट मैं कुछ भी गॉड गिफ्ट नहीं कहूँगी, कम्प्लीटली गॉड गिफ्ट नहीं कहूँगी। मेरे मेकअप हेयर वाले पूरा लुक जो क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव टीम, डिज़ाइनर्स, स्टाइलिस्ट, उनका पूरा ये सब होता है, उनका हाथ होता है, तब जाके हम इतने सुंदर लगते हैं। सो थैंक यू टू ऑल माई टीम दैट दे आर एबल टू मेक मी लुक सो प्रीटी। देखा जाए तो बहुत सारे ट्विस्ट लेके आ रहे हो आप शादी के सवारी में, आप मतलब कम बैक आए, कुछ धमाका मसाला लेके आ रहे हो। कल मैंने देखा सोनम के घर गए थे आप, मतलब नका मतलब मास्क पहन करके डिलीवरी बॉय बन के गए थे, ये क्या था, पार्सल में क्या बम करने वाले हो? सो बेसिकली अभी तो मैंने सिर्फ धमकी दी है सोनम को कि कुछ शादी में कुछ ना कुछ होने वाला है, तो अभी धमकी दे रही हूँ मैं। फिर शादी में किसी तरह से एंट्री करने की कोशिश करूँगी, ऑफकोर्स मैं डिम्पी बनके तो नहीं आ सकती, लेट्स सी कि क्या यही रूप लेके आती हूँ या कैसे आती हूँ मैं शादी के अंदर। बट डेफिनेटली डिम्पी शादी में आना चाहती है और वो कुछ तो बड़ा करना चाहती है और वो करेगी, उसको देखने के लिए आप देखते रहिए सावी की सवारी। एक और है कि बुआ जो है इसमें, बुआ है वो भी डेंजर है, उससे भी सबको डर लगता है, आपको इससे पता है, आपको भी डर लगेगा ऐसे ही नॉर्मल जैसे मानसी मतलब डिम्पी वैसे रहेगी? डर तो लगेगा थोड़ा, बुआ दादी आई गेस थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमारी वेदिका जी हैं उनसे भी थोड़ा डबल स्ट्रिक्ट हैं एकदम, तो डेफिनेटली अगर डिम्पी घर पे आएगी तो डिम्पी भी उनसे बहुत डरेगी। उम्मीद करता हूँ सावी की सवारी में इस तरह आपको प्यार मिलता रहे, इस तरह मुस्कुराते रहिए। थैंक यू मानसी श्रीवास्तव जी। थैंक यू।